अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम गरम मसाले की रेसिपी देने जा रहे हैं, चलिए आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ गरम मसाले मैंने लिए हैं, इसकी क्वान्टिटी मैं आपको बताते जाऊँगी। घर के होम मेड गर्म मसाले की तो कुछ बात ही अलग रहती है। मैंने काली मिर्ची ली 50 ग्राम, 25 ग्राम मैंने लौंग, बड़ी इलायची, स्टार एनीस, ये सब मैंने 25-25 ग्राम लिए। सिर्फ काली मिर्ची मैंने 50 ग्राम लिए। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए ड्राई रोस्ट होते ही इसकी खुशबू अच्छी आने लगी है। ज़ीरा लिया मैंने 25 ग्राम, 20 ग्राम मैंने शाहजीरा लिया, 25 ग्राम मैंने खसखस लिए। इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए कर लेंगे। दालचीनी ली है मैंने 25 ग्राम और 25 ग्राम मैंने जायफल जावित्री दोनों मिक्स करके लिए, तो 25 ग्राम ने इनको भी हमने हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया। अभी तेज़पत्ता है जो मैंने बेलीफ 6 से 7 लिए मैंने, ये भी अच्छे कड़क हो चुके हैं हमारे, ड्राई रोस्ट हो गए। इसको पीसेंगे तो और अच्छी खुशबू बढ़िया आएगी। हरी इलायची मैंने पीस के रख चुकी हूँ, तो मैं इसका पाउडर मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, तो मैं इसका 1 छोटा चम्मच चाय की चमची छोटी टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी पीस जाने के बाद। देखिए हमारा अच्छा गरम मसाला सारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे हल्का ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे मिक्सर के अंदर। हमारे होममेड गरम मसाले से हम काफ़ी मुतमईन रहते हैं। देखिए हमने ये पीस लिया हमारा गरम मसाला, बड़ी अच्छी खुशबू महक रही है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि बड़ी इलायची के जो रेशे आते हैं वो ना आए। देखिए थोड़ा मोटा मोटा है, हम इसको एक बार और मिक्सर में चला लेंगे। ये देखिए हमारा पीस चुका है गरम मसाला, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक रहा है हमारा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेके आते रहेंगे और वीडियोज़ आपके